हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है टॉप 100 अनुराधा सॉन्ग्स। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। पहली बार नाम दुनिया से अपना।
दिया तो
हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल यार, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉन्ग थे, सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन ये कि हमें सिंगर का है ना, पहली दफ़ा हमको पता चला है अनुराधा जी के इतने एक पहले एक इनकी वीडियो बनाई है इनकी लाइफ के ऊपर। नहीं वो और थी वीडियो, अच्छा हाँ जी वो और थी, लेकिन ये कि इनके यार जितने भी सॉन्ग सुने हैं ना, सब के सब एक हिट सॉन्ग है सभी मूवीज़ के। नहीं, वाकई सही बात है। एक सिंगर का तो भाई पहले भी पता था, लेकिन इनके ना एक सॉन्ग नहीं मिल रहे थे, एक 100 सॉन्ग, मतलब क्या हुआ, वन कुछ एंड नहीं नहीं, कुछ नहीं, वन रनर्स, उनका मतलब कि इनके सॉन्ग नहीं मिल रहे थे, लेकिन आज एक फाइनली मिल गए। और बहुत एक कमाल की भाई एक सिंगर है, क्योंकि हम एक जो भी एक गाना सुनते थे ना, खास करके एक माधुरी ने जो मतलब के सॉन्ग गाए हुए थे एक मूवीज वगैरह में, तो वो बहुत एक ना हिट सॉन्ग थे जो आज एक देखे भी हैं। लेकिन भाई ने काफी ना अच्छे एक एडिट किए हैं, एक अच्छी मतलब कि उन्होंने एक सारे इकट्ठे करके ना, और भी इनके काफी सॉन्ग है, हर मूवी में मतलब के एक हिट सॉन्ग इन्होंने दिए एक दिया है। लेकिन अब एक बात करें ना, जब एक हमें सुनने को मिलता था कि यार एक इंडिया में एक संगीत को ना बहुत एक दर्जा दिया जाता है, मतलब कि एक उधर एकेडमी बहुत बनी हुई है, एक संगीत को लेकर ना काफ़ी लोग ना एक उस पर तवज्जो देते हैं संगीत को, क्योंकि अभी भी एक जो मैंने सुना है ना कि अभी भी मतलब के लोग ना जो एक स्टडी भी करवाते हैं ना स्कूल में, जब बच्चा जाता है तो उसको संगीत के साथ एक ज़रूर एक स्टडी करवाते हैं, एक स्लोली स्लोली नाल मतलब के साथ साथ। लेकिन इधर एक सिंगर पर आ जाना, तो इंडिया में बहुत बड़े सिंगर बड़े बड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि एक कुमार सानू और उद्धत नारायण ये तो मेंशन में है ना, मतलब कि एक संगीत में आगे नाम आ गए 2 3 4, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े बड़े सिंगर भी पड़े हुए हैं। नहीं, आप तो बकायदा बड़े बड़े भी प्रोग्राम होते हैं, एक कंपटीशन होते हैं, ये एक देखो ना, एक डीएनए में भी होती हैं ये चीज़ें, तो एक डांस और एक संगीत जो है ना, वो आपको एक जितना इंडिया में एक मिलेगा ना, वो आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा इतना। लेकिन भाई आप आ जाएं इनकी आवाज़ के ऊपर, क्या प्यारी आवाज़ है, यकीन करो हम 90 के गाने बड़े दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन जो आज गाने रेयर सुने हैं ना, वो एक बहुत जिसमें एक दिल है के मानता नहीं यार, क्या एक कमाल की मूवी है। मूवी तो खैर इतनी शायद नहीं देखी, लेकिन गाने उसके एक से बढ़कर एक हैं। वो लड़की जो उसमें एक्टर थी, उसका नाम ज़रूर बताइएगा, वो बहुत एक अच्छी एक्टर थी, पता नहीं उसके बहुत कम ही उनकी मूवीज़ आई हैं। आगे जाके आशिकी की बात करें, आशिकी 1, अभी आशिकी 2, तो जिसमें ये तो अभी करंट आई है ना 2019 में शायद, लेकिन पहली की बात करें तो भाई क्या उसके भी सॉन्ग एक से बढ़ गए हैं, लेकिन इसके पीछे जो एक टैलेंट था ना, वो भाई एक बहुत बढ़िया था, कमाल क्या था। एक उनकी आवाज़ थी यार। नहीं सही बात है, एक पहले जो एक मूवीज आती थी ना, तो उसमें लोग ज्यादातर बोलते थे कि यार शाहरुख खान का गाना है, एक अक्षय कुमार का गाना है, लेकिन पीछे नहीं पता था होता था, सब ठीक है पता होता था, लेकिन जो एक नॉर्मल बंदा एक मूवीज देखता था जिसको एक नहीं एक डिटेल का पता होता था, वो उसके रिएक्शन से ही देखने वाले होते थे। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।